ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम समयकी में प्रस्तुत है। कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एम के सेन से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर सेन, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक और दिशा निर्देश जारी किया गया और उसमें ये कहा गया कि N95 मास्क जो है वो कोरोना से बचाने में बहुत हद तक कारगर साबित नहीं हो रहा है और लोगों को ये कहा गया कि वो या तो घर पे बने हुए मास्क का इस्तेमाल करें या फिर सर्जिकल मास्क का प्रयोग करें। क्या कहेंगे आप इस पर? मास्क का इस्तेमाल किसी भी ऐसे रोग में जहां पे रोगी संक्रमित सांस द्वारा होता है उसमें आवश्यक है। हाँ, ये जरूर है कि मास्क कई प्रकार के हैं। जैसे आपने कहा, कपड़े का मास्क होता है या फैब्रिक मास्क होता है या फिर दूसरा मास्क होता है जो डिस्पोजेबल मास्क होता है और उसे सर्जिकल मास्क कहा जाता है, और तीसरा वो मास्क होता है जो आपने कहा N95 या FFP2 मास्क। तो हर एक मास्क का अपना अपना स्थान है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कहाँ नहीं किया जाना चाहिए। N95 ये केवल डॉक्टरों को या स्वास्थ्य कर्मियों को इस्तेमाल करना चाहिए और जो संक्रमित व्यक्ति है उसके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, और केवल काम मतलब क्या कि उसको इंट्यूबेशन कर रहे हैं या उस पर नेबुलाइजेशन दे रहे हैं या उस पर सक्शनिंग कर रहे हैं, केवल मात्र वहीं पे इसका इस्तेमाल वांछनीय है। जैसे हम बाजार जाते हैं, आमतौर पे किसी ऐसी जगह पे नहीं जाते हैं जहां संक्रमण का डर हो, जहां पे रोगियों का चिकित्सा हो रहा हो, ऑफिस में जाते हैं, तो यहां पे हमें सिंपल मास्क जो फैब्रिक मास्क है यही काफी है, या ज्यादा से ज्यादा हम ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर सेन, ये तो बात हो गई N95 मास्क की, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग मास्क हैं, लेकिन भारत में जो देखने को मिल रहा है और आपने भी अपने निजी जीवन में ये अनुभव किया होगा कि मास्क जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से दिशा निर्देश आए कि मास्क वही इस्तेमाल करें जो आपके नाक और मुंह को ढक सके, लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग जो हैं वो मास्क को गले में लटकाए रखते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो वो अपनी चिन यानी ठुड्डी को ढकने का काम करते हैं, इस मानसिकता पर क्या कहेंगे आप? मानसिकता अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमारा नजरिया क्या है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम मास्क पहनते हैं जो कि आवश्यक है, उसे हम ऐसा ही मास्क चुने जो नाक और मुंह को और चिन के नीचे तक आए, और मास्क पहनते वक्त उसके जो स्ट्रैप्स हैं वो हम कान के ऊपर से एक पैर और कान के नीचे से दूसरा पैर लेकर के जाएं। जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम ये देखें कि इसके जो प्लीट्स हैं या पॉकेट्स हैं वो अगर सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं तो पॉकेट जमीन की तरफ फेस करने चाहिए ना कि आसमान की तरफ, और उसको हमेशा के लिए लगा के रहेंगे जब तक हम घर वापस न लौटें। आमतौर पर मास्क ऐसे ही बनाए जाते हैं कि सांस अच्छी तरह से हम ले पाएं और बातचीत भी कर सकें, जो हमारे संक्रमण की जो वायरसेस हैं वो अंदर ना जा पाए। और सबसे बड़ी बात, अगर हम कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल करते हैं तो अगर हमें सर्दी खांसी जुकाम है या किसी दूसरे व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम है और अस्पताल में जा रहे हो तो हम इसका इस्तेमाल ना करें, हम सर्जिकल मास्क का प्रयोग करें। डॉक्टर सेन, भारत जो है वो अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहा है, संक्रमण के मामले जो हैं वो लगातार नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्या कारण देखते हैं आप इसके पीछे? जैसे जैसे हम टेस्टिंग कर रहे हैं संक्रमण की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन जो व्यक्ति ठीक होकर घर वापस जा रहे हैं या हमारी डबलिंग टाइम वो काफी बढ़ गई है, हमारे जो मृत्यु दर है बहुत ही कम हो गया है और अस्पताल में दाखिल मरीज भी कई जगह बहुत ही कम हो गए। आपने जिक्र किया अनलॉकिंग का, आपको पता है कि अनलॉकिंग 2.0 जुलाई 1 तारीख से जारी हो चुका है, लेकिन ख्याल रखें बात को कि अनलॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि वायरस गायब हो गया है। अनलॉकिंग किसी चीज पे ढील न दे। जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र हैं, जैसे कि 2 गज दूरी जारी रखना या फिर मास्क का पहनना, हाथ धोना, ये बेसिक नियम का पालन हमें करते रहना है। अनलॉकिंग से ये सुविधा जरूर दी गई है कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है और काम पे जाते हैं, हमारा रोजगार है, ये हमारे ऑक्यूपेशन, इसको हम इस पे ढील दी गई है, लेकिन इस बात में ढील नहीं दी गई है कि हम बेसिक नियमों का पालन ना करें। डॉक्टर सेन, चूंकि बाजार में कई तरह के सैनिटाइजर हैं, कई रंगों के सैनिटाइजर हैं और उसमें अलग अलग स्मेल भी है, सबसे पहले मैं ये बतला दूं कि सैनिटाइजर इज नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर हैंड वॉशिंग। हाथ धोना अपनी जगह है और सैनिटाइजर अपनी जगह है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप तब नहीं करेंगे जब आपके हाथ में दिख रहा हो कि मैल है, तेल है, मिट्टी लगी हुई है, तो सैनिटाइजर से कोई फायदा नहीं होने वाला। उस पर आपको हाथ धोना रनिंग वाटर में और साबुन के साथ ही करना पड़ेगा, वही 30 सेकंड तक जैसे बतलाया गया है। आते हैं आपके सवाल पे कि सैनिटाइजर कौन सा इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड होता है, अल्कोहल की मात्रा उसमें 60% या इससे अधिक होना चाहिए। उसका कलर क्या है,
उसके स्मेल क्या है, इससे हमें कुछ इतना लेना देना नहीं है। हाँ, किसी मान्यता प्राप्त मैन्युफैक्चरर की बनी हुई सैनिटाइजर ही आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दूसरे मान्यता वाली सैनिटाइजर जिसमें 60% से कम हो या पानी भरा हो, ऐसे सैनिटाइजर ना इस्तेमाल करें। मान्यता प्राप्त सैनिटाइजर हो जिसमें 60%। तीसरी बात यह है कि सैनिटाइजर कितना लेना चाहिए, 2 या 3 ml सैनिटाइजर लें और अपने दोनों तलवों उंगलियों के बीच में और टिप्स में, जैसे हैंड वॉशिंग का तरीका बिल्कुल वही तरीका आप अपनाएंगे, और उसके बाद हाथ नहीं धोएंगे, वेट करना है सैनिटाइजर जब तक पूरी तरह सूख ना जाए, और तभी आप ये मान के चलेंगे कि आपका हाथ साफ हो गया है, वायरस पार्टिकल्स उसमें से वो नष्ट हो गए हैं। देखिए डॉक्टर सेन, जो मौसम है वो मच्छरों से पनपने वाली बीमारियों का भी है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों के शरीर में जो एंटीबॉडी बनेगी, क्या वो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए भी कारगर साबित होगी? अगर कोई व्यक्ति डेंगू से या चिकनगुनिया से पीड़ित हो जाता है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं उसके साथ कोरोना वायरस का कोई संबंध नहीं है, वो कोरोना से प्रोटेक्टेड नहीं है, कोरोना उसको दोबारा संक्रमित कर सकती है। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि कोरोना वायरस के साथ साथ दूसरे संक्रमण भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब जो आपका इलाज करते हैं रोगियों का, वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि ये मौसम है हमारा जिसमें मच्छर पनपते हैं और मलेरिया होता है या डेंगू होती है, तो वो कोरोना के साथ ही हो सकता है या को इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो डेंगू रोगी या मलेरिया रोगी को क्या एंटीबॉडीज कोरोना से बचा सकते हैं? नहीं, इसका जवाब है वो नहीं बचा सकते। डॉक्टर से समझना चाहेंगे कि जो हैंड सैनिटाइजर हम इस्तेमाल करते हैं, क्या उससे लैपटॉप मोबाइल फोन को साफ किया जा सकता है, दरवाजों के हैंडल को साफ किया जा सकता है और उससे वायरस मर जाता है? अच्छा तरीका तो ब्लीच या फिर 1% हाइपोक्लोराइट वाली जो सोल्यूशन होती है, वो कई बाजार में कमर्शियली अवेलेबल जो चीजें हैं उसके अंदर क्लींजिंग एजेंट्स में भी मिलती है, उससे हम कर सकते हैं। अल्कोहल या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, खास करके जो पर्सनल आइटम्स होते हैं, पेन, पेंसिल्स या फिर मोबाइल टेलीफोन जो सेंसिटिव होते हैं, इसमें हम गीला कपड़ा तो नहीं लगा सकते हैं, तो हम अल्कोहल स्वाइप का यूज या फिर सैनिटाइजर जो 70% से ऊपर है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, सेंसिटिव इक्विपमेंट हो, इसको डैमेज ना करें, इसके लिए हम अल्कोहल का स्वाइप का इस्तेमाल करना। कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो कितने तरह से होता है, हम इस कार्यक्रम में बहुत बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि आंख, मुंह और नाक के माध्यम से ये संक्रमण हमारे शरीर में जाता है। क्या देश के कुछ हिस्सों में कोरोना का पीक आ गया? पीक शब्द का इस्तेमाल ना ही करें तो ठीक है, इसको हम प्लेटो बोलेंगे, क्योंकि कुछ जगह पे उतार है, कुछ जगह पे चढ़ाव है। इसको अगर हम देश भर के तात्पर्य से देखें तो कुछ जगह तो अभी भी केसेस बढ़ रही हैं, कुछ जगह कम हो रही है। जैसे हम दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में केसेस अभी डाउन हिल है, मतलब कम हो रहे हैं, लेकिन अन्य जगह हैं जहां पे अभी भी बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विदेशों में भी देखा गया है कि सेकेंड स्पर्ट भी आता है, कई जगह कम हो जाने के बाद फिर दोबारा आ जाता है। तो हमें इस पे ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमें जो सावधानी अपने ऊपर है, जो नियंत्रण संयम और जो अनुशासन है उसका कठोर रूप से पालन करना ही हमारी सबसे बड़ी बात यही रहेगी। ये जो बेसिक रूल्स हैं ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। और कौन सी जांच, गोल्ड स्टैंडर्ड तो हमारे यहाँ पे केवल मात्र जो नेजल स्वैब का होता है, ओरल स्वैब एंड ओरोफेरिंजियल और नेजल स्वैब का RT-PCR, उसी को गोल्ड स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। बाकी कई किस्म के जांच हैं जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हैं, इसी का गोल्ड स्टैंडर्ड तो RT-PCR मान। जैसा कि हमने कार्यक्रम में पहले भी चर्चा किया कि ICMR ने N95 का इस्तेमाल कम करने को कहा है, आम जनता को गमछा है जो तौलिया कहते हैं, क्या उसका भी इस्तेमाल मास्क के तौर पर मुंह और नाक को ढकने में कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए रेस्पिरेटरी एटिकेट दो चीजों का है कि आप जब खांसते हो या फिर आप छींकते हो तो आपके अंदर से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो बाहर ना पहुंचे और बाहर से संक्रमण करने वाली चीजें हैं वो आप तक ना पहुंचे। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि फैब्रिक मास्क या क्लॉथ मास्क जो घर पे भी बनाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और बाजार में भी उपलब्ध है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हर रोज मतलब डेली धोकर के धूप में सुखाना आवश्यक होता है और एक मास्क को आप एक दिन से अधिक ना पहने। डॉक्टर सेन, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. सेन से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।